अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दिन करीब आ रहे हैं, 20 जनवरी को जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा आगे का कदम, देखे इस रिपोर्ट में। 3 नवम्बर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसके बाद जो नतीजे आए वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं हुए। दरअसल इन नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा था। जो बाइडेन को कुल 306 इलेक्टोरल वोट मिले थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट ही हासिल हुए। लेकिन अब बारी है 20 जनवरी की, जब जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उनके साथ ही कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। लेकिन अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन DC छोड़कर फ्लोरिडा चले जाएंगे। ट्रंप प्रशासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उनका विदाई समारोह ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में आयोजित किया जाएगा और यहीं से ट्रंप फ्लोरिडा के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को जो बाइडेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल न होने का ऐलान किया था। नतीजे आने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे और इसी के मद्देनजर 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद में जमकर हंगामा भी किया था, जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप को लोगों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा। वहीं उनके खिलाफ दूसरी बार महाभियोग पारित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनके अकाउंट्स पर बैन लगा दिया गया। लेकिन इन सब के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार मान ली है और अपने आने वाले समय की तैयारी भी कर ली है। DV लाइव की रिपोर्ट।